नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। जुन्नारदेव विकास खंड चिकित्सा अधिकारी आरआर सिंह को आज लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। डीएसपी दिलीप सिंह झरबड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग में लगी दो बोलेरो वाहन के बिल भुगतान दिसंबर माह से नहीं किया गया था, जिसका बिल भुगतान के लिए प्रार्थी सोहन श्रीवास चौरई निवासी से प्रतिमाह 15,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त की और तय समय पर लोकायुक्त टीम ने रिश्वतखोर बीएमओ डॉक्टर आरआर सिंह को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसमें लोकायुक्त को सफलता मिली। आज जब डिमांड के मुताबिक 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बीएमओ राजीव रंजन सिंह को लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा, इस कार्यवाही में डीएसपी दिलीप झरबड़े, इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह दीवान, स्वप्निल दास, अजय विष्ट, गोविंद शामिल थे। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। रिश्वत की मांग की गई थी, आज हमने इनको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। गाड़ी चलती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदो है, हर महीने बीएमओ द्वारा बिल और लागू वेरीफाई की जाती है। बिल वेरीफाई करने के लिए बीएमओ द्वारा हर महीने पैसा मांगा जाता है, जिसकी मैंने सीएमओ को शिकायत भी की है, है ना। उसके बाद भी बगैर पैसे के बिल वेरीफाई नहीं करते हैं, बार बार पैसा मांगते हैं। 15,000 रुपये डिमांड कर रहे थे, मैं आज आया और मैंने 10,000 रुपये दिया और ट्रैप कराया। कितने बार आपसे पैसे मांग चुके हैं? हर महीने ही मांगते हैं, जब से हमारे टेंडर चल रहा है, एक साल होने का। ठीक, गाड़ी बोलेरो गाड़ी, हाँ। कब से ठीक है? दिसंबर से मेरे बिल, कितना? एक बिल का 30,000 रुपये, चार बिल थे तो 15,000 रुपये मांग रहे। छिंदवाड़ा छोड़े सोहन सिंह।